दरभंगा नगर निगम का चुनाव 20 अक्टूबर को होने वाला है। सभी को चुनाव चिन्ह मिल चुका है, सभी उस चुनाव चिन्ह को लेकर के अब अपने अपने जो क्षेत्र हैं प्रत्येक घर में जाकर के बता रहे हैं कि किस तरीके से बटन दबाना है, कहां दबाना है। इस बार ईवीएम से चुनाव है नगर निगम का। बताया चले इस वक्त हम मौजूद है दरभंगा नगर निगम से सटा हुआ सबसे नजदीकी वार्ड, वार्ड 20 में। लगातार 26 साल से गौरी शंकर जी यानी उनकी धर्मपत्नी है, इससे पहले वो खुद भी थे और यहाँ के पार्षद है। लोगों की समस्याएं क्या है उसे भी हम दर्शाएंगे किस तरीके से यहाँ काम हुआ, लेकिन लगातार 26 साल से एक ही परिवार पार्षद है। आज हम उनसे खास बात करेंगे कि जनता का उनके प्रति जो स्नेह है, उनका जो काम है क्या रहा है इस पूरे 26 साल में, क्योंकि खुदा भी आसमान से जब देखता है तो नीचे में सबको खुश नहीं रख पाता है। तो क्या एक जनप्रतिनिधि अपने छोटे से क्षेत्र को सबको खुश रख पाता है, जिस तरीके से यहाँ हम सभी को पता है दरभंगा नगर निगम के आसपास में 3 वार्ड है और जब बरसात होता है तो तीनों वार्ड के काफी सारे हिस्से जलमग्न हो जाते हैं, उसे भी बता देंगे। लेकिन सबसे पहले गौरी शंकर से बात करते हैं। जी हमारे चैनल पर सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप अपने समय में कितने साल थे पार्षद वार्ड 20 के? हम 2001 से लेकर के 2007 तक हम। उसके बाद ये महिला वार्ड हो गया। उसके बाद महिला वार्ड हो गया। उसके बाद 3 टर्म आपकी धर्मपत्नी रही। बात करेंगे सर 26 साल, एक लंबा समय होता है राजनीति में भी और एक क्षेत्र में एक कहीं वर्चस्व होता है, लगातार जनता चुन रही है, क्या मकसद? तो जनता का प्यार है। अच्छा। हमारे प्रति जनता का प्यार है, जो लोग मुझको चाहते हैं, क्योंकि हम उनके लिए 24 घंटा हमारा दरवाजा यहाँ के, वो जो भी जनता हो उनके लिए दरवाजा खोला हो। रात को 12 बजे आवे तो भी हम उनका काम करते हैं, लोग सुबह 5 बजे आते तो भी उनके लिए दरवाजा खोला हुआ है। ये प्यार है और स्नेह है हमारे प्रति, जो हम इस वार्ड के सारे जनता का हम आभारी हैं। इस तरह का प्यार स्नेह जो लोगों ने मुझे दिया है, हम इसका उसका आभारी हैं और सदा आभारी रहेंगे। मेरा और मेरा परिवार हमेशा इस वार्ड की जनता के लिए सदा तत्पर रहेंगे। हम रहें कि नहीं भी रहेंगे तो भी उनका जो प्यार हमको मिला है वो हम अपने हम में भी, और हम कोशिश करेंगे हमारा जो बाल बच्चा है, हमारा जो परिवार आने वाला पीढ़ी, वो भी उन लोगों को उसी सम्मान से वही प्यार हमेशा उन लोगों को दे। गौरी शंकर जी, दरभंगा नगर निगम से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, एकदम सटा हुआ है, वार्ड 20 है, 21 है और 22 है, लेकिन जो टाउन हॉल के दाएं हिस्से की तरफ का हिस्सा है यानी आपका क्षेत्र है, लाल बाग है और भगवान दास का हिस्सा है और पीछे कुछ हिस्से हैं, अक्सर देखा जाता है कि यहाँ बरसात होते हुए, वैसे तो पूरे दरभंगा शहर का हाल होता है लेकिन दरभंगा नगर निगम से सटा हुआ वार्ड भी जलमग्न हो जाता है। ये बहुत लो लाइन है। हाँ, रहा हमेशा तो पानी, बिना बरसात का तो पानी नहीं रहता है, नहीं रहता है। अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डूब रहा है, राजस्थान जहाँ बरसात जहाँ हो रही है, जहाँ कभी पानी नहीं होता था, पूरा माने आपका राजस्थान डूब रहा है, MP डूब रहा है। हम लोग तो सब दिन बाढ़ ग्रस्त में रहे, आज तो हम लोग हद तक बहुत ठीक है, इस बार बाढ़ नहीं आया। बाढ़ नहीं आया, हम वैसे भी थोड़ा भी बारिश होती हम लोग बहुत नीचे स्तर पर है, हमारा जो ये वार्ड है बहुत लो स्तर पर है, तो थोड़ा भी बारिश होती है तो दरभंगा टावर वगैरह का भी पानी जो है ना, ये नगर निगम वार्ड 21 में नगर निगम का क्षेत्र से और हमारे तरफ ये सारा पानी चलाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वह पानी महीना दो महीना रहता है, पानी बरसता भी है और पानी निकल भी जाता है, उसी हिसाब से पानी निकल भी जाता है, इसका माने कि उसकी सफाई प्रॉपर होती है इसलिए पानी निकल भी जाता है। कुछ हिस्सों में देखा गया है, लोग कह रहे हैं कि 6-7-8 महीने से पूरा नाला गंदा है, अभी हमने भी कुछ जगह पर जाके देखा, लोगों का कहना है कि गौरी शंकर जी इधर आते नहीं हैं, लाल बाग के लोगों को कहते हैं कि उन्होंने वोट नहीं दिया है। ऐसा जो भी बोलते हैं वो मन में रखते हैं, अगर यदि ऐसा नहीं है तो लाल बाग में ही लोगों से पूछिए, वो वैसे ही लोग हैं जो हमारे विरोधी। अच्छा, लाल बाग में पूछिए कौन ऐसा व्यक्ति जो मेरे सामने आके बोले उसका लाल कार्ड नहीं है, उसका वृद्धा पेंशन नहीं बना, जो हमसे बनने वाला। अब रोड नाला के लिए तो मेरे पास तो फंड नहीं आता है, वो तो फंड आता है सरकार का। हाँ। सरकार का जो स्कीम पास होता है, आपको बता दें कि 2012 से 2017 में मुख्यमंत्री गली नली, अभी जितनी भी पैसा सरकार देती है मुख्यमंत्री गली नली में देती है, सात निश्चय योजना, शायद आप लोग जानते भी हैं, लोग भी जानते हैं, जो नहीं जानते उसको लोग बड़गड़ाता है। 12 से 17 में हम काउंसलर नहीं थे। अच्छा, तो जो योजना 12 से 17 में मुख्यमंत्री शासन से योजना के तहत पास हुआ,
पैसा आता है उसी मद में, काम होना है उसी मद में। जो योजना आपका पास है वो हमने करवाए थे 12-17 में जो पास होते उसका किया हुआ, लेकिन ढोना हमको हमको पड़ रहा है। अच्छा, 12-17 में कोई और भी पार सकते हैं यहाँ? और हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था इसी कारण, तो हमने तो दूसरा दिया। तो उस समय जो योजना पास हुआ, आज हमारे साथ मजबूरी है नया योजना कुछ दे नहीं सकते। जब तक वो 7 निश्चय योजना का एक एक स्कीम खत्म नहीं होगा, नया योजना हम कोई नहीं कर सकते, और उसी योजना में से करना, अलग से कोई योजना। यानी 17 के बाद जो आज 17 से अभी 21 तक 22 तक थे आप पार्षद, इसमें कोई नहीं? 17 उसके बाद तो बोलते रहे हम लाभ नाला बना है, उसके बाद बहुत जगह रोड बना है, कुछ रोड नाला पास भी है, कुछ ठेकेदार काम नहीं करा करता, पुराना रेट का काम है। अच्छा, अभी नगर नगर आयुक्त आए हैं बेचारे, तो वो मैंने कुछ जबरदस्ती एग्रीमेंट वगैरह कराया है। दूसरा बात है, उस एरिया में लोग काम करने भी जाता है तो वहाँ ठेकेदार को डिस्टर्ब करता है, काम नहीं करने देता है। अच्छा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब टाउन रोड के पास देख रहे पानी लगा हुआ रहता है ना, स्कूल के बच्चे, ठेकेदार बनाने भी गया था काम। अच्छा। उसको काम नहीं करने दिया, ठेकेदार काम छोड़ के आ गया। अच्छा, ये बात है, ये सब लोग ऐसा भी करते हैं। बाकी एरिया में जहाँ लोग डिस्टर्ब नहीं करता ठेकेदार जाता है काम, हमारे यहाँ काम निकलता कोई ठेकेदार काम नहीं लेता, काहे कि हम लाल में काम नहीं करेंगे, ऐसा ठेकेदारों का कहना जी। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे गौरी शंकर जी ने जो पार्षद जी हैं पूर्व पार्षद लाल बाग के, उन्होंने कहा कि लाल बाग में काम निकलता है, यानी जो प्रोजेक्ट है जो नाला का है, सड़क का है, ढकना का है, लेकिन लाल बाग में कुछ लोग हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसके वजह से वो काम नहीं करते हैं। चलिए, ये तो रहा इनसे पूरा बात हो गया 26 साल का। अब जनता के पास जाएंगे, क्योंकि इनको जाना भी पड़ेगा लाल बाग में, जहाँ पे ये कह रहे हैं जिस तरीके से लोग जैसे इनके पर आरोप लगा रहे हैं। अभी आपको जो चुनाव चिन्ह मिला, क्या मिला है? टेम्पू छह। कितना नंबर है? क्रमांक संख्या 3 नंबर है। तो अभी आप क्षेत्र में जाना शुरू किए हैं चुनाव चिन्ह को लेकर? 6 तारीख से सुनते हैं। चुनाव चिन्ह लेकर के तो नहीं गए हैं, लेकिन इससे पहले तो घूमे ही हैं, जाते हैं लोगों से, डोर टू डोर मिलना, लोगों से घर के जाना आना तो है, तो सब दिन रहता है वहाँ। थोड़े चुनाव नहीं था तो भी है, चुनाव है तो भी जाना। लेकिन सिंबल मिला है, परसों सिंबल मिला है। जो लोग गुस्से हैं आपसे, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि सभी को खुश नहीं कर पाता, तो उनसे क्या कहेंगे आप? एक चीज बताइए, आप कोई आदमी अपने घर में 5 आदमी है उसको खुश कर पाता है क्या? वो तो बहुत ही टफ हो जाता है। नहीं कर पाता है। हाँ। तो वो यहाँ तो 5,000-5,500 वोटर है। हाँ। 5,000 वोटर है। अब गुस्सा कोई पर्सनली आप हमसे ठान लीजिए तब तो अलग बात है। गुस्सा है किस बात का, ये तो बताइए। गुस्सा का कारण तो बताइए। आपका राशन कार्ड नहीं बना, आपका विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, आपको आपके यहाँ सफाई नहीं होती, क्या नहीं मिला आपको? काफी लोग बोले थे इंदिरा आवास भी नहीं मिला, कुछ चौक है, जो भी बोल रहा है टाइप के घर है, जो भी बोल रहा है गलत है। इंदिरा आवास का पेपर दिया तब ना आपका पास करेंगे। अच्छा। हमारे यहाँ जितना भी इंदिरा आवास वाला, इससे पहले जो भी पार्षद थे पैसा लेकर लोग करता था, जाके पूछ लीजिए किसी का 5 रुपया कहीं खर्चा हुआ क्या? अच्छा। वृद्धा पेंशन में किसी का 5 रुपया खर्चा होता है क्या? राशन कार्ड बनाने में किसी का 5 रुपया खर्चा होता है क्या? अगर होता भी है तो मैं अपने घर को बता देता हूँ, जनता को पैसा नहीं लेने देता। नगर निगम में भी कुछ पैसा लोग लेता है, वो भी पैसा हम नहीं लगने देते, अपने पास से 500 रुपया दे के उसका पास कर। आप पेपर दीजिएगा तब ना, जो नॉर्म्स है, जो टर्म्स है, जो पेपर मांग रहा है, वो केवाला हुआ, दाखिल खारिज हुआ, नगर निगम का, ये दीजिएगा तब ना आपका पास करावेंगे। आप नहीं दीजिएगा कि हमारा इंदिरा आवास पास करा दो, यही हम कहाँ से करवा देंगे? पेपर नहीं जमा होता, पेपर नहीं दीजिएगा। जो दिया उससे जाके पूछिए ना कि तुम्हारा जो इंदिरा आवास होना, तुमको कितना रुपया खर्चा है, घूस के एक आदमी से जाके पूछ लीजिए। जैसे पार्षद मतलब वो आपके घर पे आते, कभी इस सब चीज के लिए कोई योजना आ रही है, या जैसे विधवा पेंशन को लेकर के हुआ, अंगूठा, जो बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन होता है, और इसलिए कभी कोई कैंप लगा है? कभी अलग अलग लगा, कैंप लगा, विधवा पेंशन, बहुत तरह का कैंप लगा है, कई तरह का कैंप लगा है, राशन कार्ड बनाने का कैंप लगवाए, विधवा पेंशन का कैंप लगाए सरकार ने, ये जिंदा होने का मांगता है, एक सर्टिफिकेट मांगता है, उसका भी कैंप लगा के करवाए हैं। और अपने खर्चा पे, चूंकि दूसरे जगह जाता है तो 100 रुपया 50 रुपया साइबर कैफे लेता है, तो वो भी पैसा लोगों को नहीं लगे,
उसके लिए अपने यहाँ कैंप लगा के उसको 5,000 रुपया अपने पास से लेके घर पर भोजन करा के कैंप लगा के लोगों का काम करवा। क्या कहेंगे आखिरी प्रश्न है, जनता का नवरात्र का समय है क्योंकि आप लोग का जो है दिवाली से पहले है, क्या कहेंगे जनता को? पूरे दरभंगा शहर साथ साथ वार्ड बीच के सभी जनता को नवरात्रा की शुभकामना देते हैं, लोग खुशी से नवरात्रा मना रहे, उसके बाद फिर हम लोग चुनाव में चलेंगे, नवरात्रा के बाद हम लोग चुनाव में निकलेंगे। ये खास बात है, हमारे साथ गौरी जी थे, दो बार के पार्षद हैं और 3 बार से इनकी धर्मपत्नी हैं। इन्होंने अपनी पूरी बातों को रखा है, जनता के बीच है, ये वीडियो जनता देखेगी, लाल बाग की जनता देखेगी, भगवान दास मोहल्ले की जनता देखेगी, छठियाई जो चौक है वहाँ की जनता देखेगी, दरभंगा शहर की जनता देखेगी। चयन करना आपका काम है, हमारा काम है सिर्फ जो हालात है खबर जो सड़क से लेके नालों तक का। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, दरभंगा नगर के जो जितने भी पार्षद हैं उनको कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, जो रेगुलर रूटीन में का काम होता है उसमें होता है, सड़क सफाई, नाला सफाई, विधवा पेंशन का कोई पेपर है उसे किसी तरह से करवाना, वेरिफिकेशन करके राशन कार्ड में मदद करना, सड़क और नाले को लेकर के विशेषकर यही काम है दरभंगा के पार्षदों का। बने रहिए।